पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में पंचायत विभाग की समीक्षा बैठक चल रही है। निमोरा स्थित ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान में शुरू हुई बैठक में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा बैठक पर विभागीय मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि बारिश पूर्व अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की जा रही है, जो काम छूटे होंगे उन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा। इस दौरान नरवा गरवा घुरवा एवं बारी योजना के तहत गौठान चारागाह निर्माण, मनरेगा कार्यों, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ ही ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पंचायत संचालनालय और विकास आयुक्त कार्यालयों के कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। बैठक में सभी जिलों के जिला पंचायत के कार्यपालन अधिकारी और वरिष्ठ विभागीय अधिकारी शिरकत रहे हैं। समीक्षा तो व्यापक रहती है, सारे बिंदुओं पे अभी तक जो जो काम जो जो जिम्मेदारियां होनी थी पंचायतों से लेके पेंशन से लेके नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के कार्यक्रम के क्रियान्वयन से लेके पीएमजीएसवाई सड़कों के निर्माण से लेके लाइवलीहुड मिशन किस गति से कार्य कर रहा है, रोजगार हम लोग कितना उपलब्ध करा रहे हैं, मनरेगा की बातें रहेंगी, तो विभाग की सारे पहलुओं पर समीक्षा रहेगी। वहीं अन्य बाकी जानकारियों के साथ रुपेश गुप्ता जुड़ गए हैं लाइन पे। रुपेश जी, अभी किन किन मुद्दों पर समीक्षा हो चुकी है, किन किन मुद्दों पर समीक्षा होनी बाकी है और क्या अभी भी बैठक जारी है? देखिए, लंबी बैठक है, भोजनावकाश थोड़ी देर पहले हुआ, भोजन के बाद अब फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं पंचायत विभाग के, तमाम मुद्दे, क्योंकि फ्लैगशिप प्रोग्राम है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, वो है नरवा गरवा घुरवा बारी, तो उसको लेकर के खास तवज्जो दी जा रही है। उसमें जो मॉडल गठान बनाए गए हैं, जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिन गाँवों को सिलेक्ट किया गया है, उन गाँवों में क्या स्थिति है और कब तक काम शुरू हो जाएगा, ये माना जा रहा है कि जैसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि अगले महीने से वहां पे पशु रहना शुरू कर देंगे जब बारिश होगी और फसल जो है वो लोग लगाना शुरू करेंगे, उसके बाद से लोग गौठान में गाय जो है वो डे केयर सेंटर की तरह इस्तेमाल में आनी शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल वही इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से उसमें तैयारियां हैं, क्या कुछ कमी रह गई है और कहाँ कुछ सुधार किया जाना है, उसी को लेकर के चर्चा। इसके अलावा जो पंचायत विभाग के अलग अलग निर्माण कार्य है, क्योंकि अब बारिश आ गई है तो बारिश से पहले कौन कौन से काम है जिनको बहुत त्वरित गति से पूरा किया जाना जरूरी है जी। जो तालाब खुदवाए गए थे, मनरेगा के जो काम किए गए थे, उनकी क्या स्थितियां हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा हो रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश जी तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी भी समीक्षा बैठक जारी है और मुद्दों पर अभी भी समीक्षा की जा रही है, कब तक चलती है ये देखने वाली बात है और किन किन मुद्दों पर समीक्षा की जाती है ये तो बैठक के अंत में ही देखा जाएगा। वहीं लखनऊ के नगराम